بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله बुनियादी और उसूली बात याद रखना चाहिए कि जंग और कत्ल व क़िताल और इंसानों का खून बहाना ये अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के नबी को पसंद नहीं। अमन, सुलह और आश्ती मतलूब है। ज़ुल्म किसी पर भी किया जाए वो काबिले कबूल नहीं। ज़ुल्म किसी यहूदी पर हो, किसी ईसाई पर हो, किसी हिंदू पर हो, किसी जैनी पर हो, किसी बुद्धिस्ट पर हो, किसी भी इंसान पर अगर ज़ुल्म है तो नाकाबिले कबूल। और जो भी ज़ालिम है उनके ख़िलाफ़ मज़लूमों को भी उठना चाहिए, और जिनके हाथ में इंसाफ देने की सलाहियत हो, जिनके पास इख्तदार हो, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ालिम का हाथ पकड़ें और उसको सज़ा दें। ज़ुल्म के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि ज़ालिमों का ये तो ख़ात्मा हो या उनके ज़ुल्म का ख़ात्मा हो। इसलिए खूब याद रखना चाहिए कि जो पैमाना है वो अदल व इंसाफ़ का पैमाना है, और अदल व इंसाफ़ का ये तकाजा होता है कि जो हकदार है उसको हक दिया जाए। किसी के हक को छीनने का कोई जवाज़ नहीं, किसी के लिए नहीं। किसी हाकिम को ये जवाज़ हासिल नहीं है कि वो महकूम की ज़मीन छीन ले, दुकान छीन ले, उसकी जान पर हमला कर दे, उसके अमलाक को छीन ले, उसको ये इख्तियार हासिल नहीं। इसीलिए अदालतें कायम की जाती हैं कि जहाँ से लोगों को इंसाफ मिले। अगर अदालतें भी इंसाफ देने के लायक ना रह जाएं तो फिर इसका मतलब अंधेर नगरी और चौपट राज है। इसी को जंगल का राज कहा जाता है। दुनिया में बार बार इंसानों ने जंगल का राज देखा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो लाखों करोड़ों इंसानों को कत्ल किया गया, उनके चिथड़े उड़ा दिए गए, उनके घरों को, उनकी इमारतों को उनके सरों पर गिरा दिया गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो भी लाखों इंसान, एक ही मज़हब के लोग आपस में लड़े, इधर भी ईसाई उधर भी ईसाई, और ऐसी खौफनाक जंगें हुई कि पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। और ताकतवरों ने जो भी मजालिम किए और जब किए, जहाँ जहाँ पर भी बरतानिया ने जुल्म किया, जहाँ पर भी अमेरिका ने जुल्म किया, फ्रांस ने जुल्म किया, वहाँ उस जुल्म का मुकाबला करने के लिए लोग उठे। और यही उन पर फ़र्ज था कि वो ज़ालिमों का मुकाबला करें, उनको खदेड़ कर बाहर निकालें। हमारे इस मुल्क पर जब ज़ालिम अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और इसको लूटा और यहाँ के लाखों इंसानों को कत्ल किया, तो उस वक्त फ़र्ज था हर हिंदू पर, हर मुसलमान पर, हर बाशिंदे पर कि वो उन मुजरिमों, सालिमों, डकैतों को इस मुल्क से बाहर निकालें। ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, यही इंसाफ है, यही अदल है, यही कानून है, यही आइन है। अक़्वामे मुत्तहिदा के चार्टर में भी यही लिखा हुआ है और हमारे मुल्क के आइन और दस्तूर में भी यही लिखा हुआ है। पूरी दुनिया के आइन और दस्तूर में यही लिखा रहता है कि अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए और जालिमों का मुकाबला किया जाए, उनके हाथ पकड़ लिए जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनका खात्मा किया जाए। रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ, जब हुआ, अहले ईमान पर बर्मा में जो जुल्म किया गया और बोस्निया और हर्ज़गोविना में जो जुल्म हुआ, चेचनिया में जो जुल्म हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो जुल्म हुआ, आज जो जुल्म मणिपुर में हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में और मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ तबकात पर हो रहा है, होता रहा है, यहाँ पर इंसाफ का ये तकाजा है कि जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और मजलूमों की मदद की जाए। पूरी दुनिया जानती है, जो भी हालात से वाकिफ़ हैं, तारीख़ से वाकिफ़ हैं, और ये करीब की तारीख है कि 1917 में बरतानिया ने यहूदियों से ये कहा कि वो उनको एक वतन देंगे
और फिर उस वतन के लिए उन मुजरिमों ने यह तय किया कि फ़लस्तीन में उनको आबाद करेंगे दुनिया भर से लाकर, और फ़लस्तीनियों को खदेड़ दिया जाएगा, उनसे ज़मीनें छीन ली जाएंगी, मकान छीन लिए जाएंगे, उनका कत्लेआम किया जाएगा। ये मुजरिम बरतानिया जिसने हमारा कत्लेआम किया था इस मुल्क में, उसी मुजरिम और खबीस और मलून बरतानिया ने यह तय किया कि दुनिया भर के दरदराए हुए थत्कारे हुए वो यहूदी जिनको हमेशा ईसाई मारते रहे, पूरी तारीख उनकी ये है कि वो मजलूम रहे, उन पर ईसाइयों ने बे इंतहा मजालिम किए, तारीख के हर दौर में किए, हर मुल्क से उनको खदेड़ा, उनको लाकर बसाने की कोशिश की गई फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर जहाँ फ़िलिस्तीनी बसे हुए थे कि इनसे ज़मीन छीन कर उनको बसाना है। इससे बड़ा कोई मुजरिमाना किरदार हो सकता है? दुनिया अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, अक़्वामे मुत्तहिदा का इदारा मुजरिमाना किरदार अदा करने के लिए खड़ा हुआ था, वो साजिश में मुलव्वस था और वो तैयार बैठा था कि जब लाकर इनको बसाया जाएगा तो वो उनको तस्लीम कर लेगा। लिहाजा एक तरफ बरतानिया का ये मुजरिमाना किरदार, फिर अमरीका का मुजरिमाना किरदार जिसने हर दौर में मुल्कों को तबाह किया, हुकूमतों को ख़त्म किया, कभी वियतनाम पर अपना जुल्म किया, कभी सोमालिया पर जुल्म किया, कभी इराक पर, कभी अफगानिस्तान पर, कभी सीरिया पर, दुनिया में हमेशा वो मुजरिम लुटेरे और डकैत लोगों को मारते रहे, लाखों आवाम को मारते रहे जिनका कोई जुर्म नहीं था, जो किसी जुर्म में शरीक नहीं थे, बूढ़े भी, बीमार भी, बच्चे भी, औरतें भी, सबको मौत के कुएं में फेंक दिया, बल्कि उनके जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए। यही वो मुजरिम थे। बरतानिया और अमेरिका ये दो ऐसे बड़े मुजरिम थे जिनके साथ पीछे से पूरा यूरोप शामिल था और अक़्वामे मुत्तहिदा का इबलीसी इदारा शामिल था कि 1948 में यहूदियों की रियासत कायम हो गई ऐसे फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर, फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन, उनके इलाके, उनका मुल्क, उनके मकानात, उनके खेत, उनके बागात, जिसमें यहूदियों का कुछ भी हिस्सा नहीं, उनको लाकर बसाया जा रहा है और जो वहाँ के बाशिंदे उनको निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या दुनिया का कोई कानून इसको मान सकता है? कोई आईन इसको मान सकता है? दुनिया अगर अंधी, बहरी, गूंगी और दरिंदा नहीं है तो क्या इसे तस्लीम कर लेगी? जाहिर है कि इसको तस्लीम करने का कोई सवाल नहीं। लिहाजा एक मुजरिमाना अमल किया गया और उसके बाद जिन लोगों के इलाके में, उनके खित्ते में, उनकी सरजमीन पर इन मुजरिमों को बसाया गया, उनका अब काम यह था कि कैसे उनको खदेड़ा जाए, कैसे उनको मारा जाए, कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे जेलों में डाला जाए। लाखों फ़िलिस्तीनियों को घर से बेघर कर दिया गया, मुल्क बदर कर दिया गया, उनकी ज़मीनें और बागात और खेत छीन लिए गए और हज़ारा हज़ार को जेलों में ठूस दिया गया, बे इंतहा अजियतें दी गई और टॉर्चर किया गया और हज़ारा हज़ार का कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि ये एक मर्तबा वाकया पेश आ गया, कोई साल नहीं गुजरा जिसमें जुल्म के पहाड़ न तोड़े गए हों, कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें जेलों में औरतों को भी, मर्दों को भी, बूढ़ों को ठूसा न गया और उनको टॉर्चर न किया गया और सैकड़ों हज़ारों अफराद को शहीद न किया गया। तसलसल के साथ यही रीत, यही रिवायत और पूरी दुनिया अंधी, बहरी, गूंगी, मुजरिम बनी हुई वो तमाशे देखती रही। और सिर्फ यही नहीं, मुसलमान का तो मामला यह है कि माल और जान उसके नज़दीक बेकीमत हो जाती है जब बात आती है मस्जिद आराम की, मस्जिद नबवी की, मस्जिद अक्सा की, बल्कि किसी भी मस्जिद की। अगर बात आती है अल्लाह के घर की तो मुसलमान का मामला यह है कि वो अपनी जान, अपना माल, सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर देता है। तो मस्जिद अक्सा पर हमले, मस्जिद अक्सा में गंदे इंसानों को दाखिल करना और वहाँ पर मुसलसल मुजरिमाना किरदार अदा करना, रमज़ान मुबारक में वहाँ के लोगों को निकाल के बाहर करना, औरतों को घसीट घसीट के निकालना और लोगों पर गोली मारना, मस्जिद अक्सा में लोगों को शहीद करना, वहाँ खून बहाना और वहाँ से घसीट के फेंकना
और अपने मुजरिमों डकैतों खबीसों मलूनों को मुसल्लत करना जो कुरान के अल्फाज में बंदर और सुअर की औलाद है, उनके साथ ये रवैया इख्तियार करना ये कैसा मुजरिमाना किरदार है। अक़्वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर कलंक का टीका नहीं चेचक के दाग हैं, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि उससे बड़ा मुजरिम इदारा इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ लाखों इंसानों को अपनी सरजमीन से दरबदर किया गया और हजार हा हजार को शहीद किया गया, वहाँ पर क्या रद्दअमल नहीं होगा? क्या ये माकूल बात नहीं है? क्या ये मुतवक्के नहीं है कि रद्दअमल हो? लिहाजा जाहिर है कि रद्दअमल होगा, ये तयशुदा है। उन्हें ये चाहिए था कि सब मिलकर इंसाफ के रास्ते को हमवार करते और ये कहते कि जहाँ तुम्हारी जगह है वहाँ तुम जाओ, जहाँ तुम्हारे आबा अजदाद की जगह है जिस मकान के तुम मालिक हो, जिस ज़मीन के मालिक हो, वहाँ जाओ। तुम यूरोप से क्यों यहाँ आए? तुम दुनिया के दूसरे खित्तों से इस ज़मीन पर कैसे आए? तुमने इस पर कब्ज़ा कैसे किया? ये नाजायज़ कब्ज़ा है, इस नाजायज़ कब्ज़े को तर्क करना पड़ेगा। और तुम मुकद्दस तरीन मकामात की बेइज्जती करते हो, इहानत करते हो और जलील करते हो अहले ईमान को, ये किसी के नज़दीक काबिल बर्दाश्त नहीं। इसलिए ज़रूरत जो थी कि सब लोग मिलकर इंसाफ की मीज़ान खड़ी कर देते और ये कहते कि जो इंसाफ का तकाजा है वो पूरा किया जाए। बात होती है अमन की, शांति की, सलामती की, बहुत अच्छी बात, बड़ी प्यारी बात, लेकिन जिस पर डकैती मारी गई हो उससे कहा जाए कि डकैत से सुलह कर ले, जिसके यहाँ चोरी की गई हो उससे कहा जाए कि चोर से सुलह कर ले, जिस पर बेइंतहा मजालिम किए गए उनसे कहा जाए कि इन जुल्म करने वालों से सुलह कर ले, जो कुछ छिन गया सो छिन गया। जो लोग ये कहते हैं वो खुद डकैत हैं, वो खुद खबीस और मुजरिम और मलून किस्म के लोग हैं। रूह ज़मीन पर ऐसे मलूनों की कमी नहीं। लिहाजा वाकया ये है कि इंसाफ का फ़ैसला होना चाहिए, अमन सलामती और शांति को कायम करना चाहिए और ज़मीन पर किसी इंसान का खून न बहने दिया जाए, किसी पर जुल्म न होने दिया जाए। जितने लोग भी जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए, जितने लोगों को बेघर किया गया उनको वापस लाया जाए, उनकी ज़मीनें उनको दी जाएँ, और जिसकी जो ज़मीन चली आ रही थी सदियों से, जिसका सबूत वो पेश कर सके कानूनी तौर पर अदालत में, उसको ज़मीन दी जाए, उसको वो जगह दी जाए। और बाकी जो जालिमाना और मुजरिमाना तरीक़े पर ज़मीनों पर डकैतियाँ डालकर कॉलोनियाँ बनाई गई हैं उनको हटाया जाए, उनको हटाया जाए। इसके बग़ैर कोई इंसाफ नहीं हो सकता और इसके बग़ैर अमन व सलामती का कोई मकसद हासिल नहीं हो सकता। तो जिसके भी जहन में मानवता है, इंसानियत है, जो ये जानता है कि ज़रूरत है इस बात की कि इंसाफ सबको मिल जाए और हर इंसान को मिले और हर जगह मिले, तो ये ज़मीन जन्नत की तरह बन जाएगी। ये सब एक दूसरे पर एतमाद करेंगे, भाईचारा होगा, मोहब्बत होगी, क्योंकि लड़ाई मज़हब की बुनियाद पर नहीं है। यहूदियत और इस्लाम की लड़ाई नहीं, हिंदू मत और इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ईसाइयत और इस्लाम की लड़ाई नहीं, लड़ाई है जालिम और मजलूम की, लड़ाई है जो डकैतों ने मुसल्लत की है, जो मुजरिमों ने मुसल्लत की है। इसलिए इस हकीकत को बहरहाल समझना चाहिए और हम लोगों के लिए जो मानवता का काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, ये सदा बुलंद करनी चाहिए, दुनिया में हर जगह बुलंद करनी चाहिए कि ये लोगों पहले इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ, शैतान न बनो। जब तुम इंसान बनोगे और सबका हक दोगे और जो तकाजा होगा इंसाफ का उसको पूरा करोगे, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। बहरहाल हर जगह का मसला हल होना चाहिए, रूस का और यूक्रेन का मसला भी हल होना चाहिए, इंसानी खून के साथ खेलना नहीं चाहिए। इसी तरह मुसलमानों और यहूदियों का मसला भी हल होना चाहिए और इसी तरह हर मज़हब और हर मज़हब के लोगों के दरमियान मसाइल हल होने चाहिए। बहरहाल ये एक हकीकत है, लेकिन जो भी अपने हक का मुतालबा करते हैं और बजाय इसके कि उनको हक मिले उनको जेल में डाला जाता है या शहीद कर दिया जाता है और उनकी अपनी मस्जिद से उन्हें घसीटा जाता है और वहाँ पर खबीस मुजरिम घुसते हैं,
और अपनी रसूमात पूरी करना चाहते हैं और उस मस्जिद को ढा देना चाहते हैं। जो ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया अगर उनको नहीं रोकती तो दुनिया जंगल है, ये दुनिया भेड़ियों और दरिंदों की जगह है। जाहिर है कि भेड़ियों और दरिंदों के साथ कोई मुसालहत तो नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरत है कि जो सच्चाई की बात है, अमन की बात है, उसको उठाया जाए। मैं इस वक्त तमाम मस्जिद के इमामों से अपील करता हूँ, तमाम मसाजिद के इमामों से अपील करता हूँ हर जगह, कि वो कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। रोज़ाना फजर की नमाज की दूसरी रकत में जो तरीक़ा उसका सुन्नत के मुताबिक है, उसको इख्तियार करते हुए कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें कि अल्लाह मज़लूमों को फ़तेह अता फ़रमाए, अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाए, जिन्होंने सन 1948 से इतने मजालिम सहे, इतने मजालिम सहे कि उनकी गिनती को मुकम्मल तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। अक़्वामे मुत्तहिदा के दफातर फाइलों से भरे पड़े हैं, लेकिन वो सब मुजरिम हैं, सब मुजरिम हैं। तो ऐसी शक्ल में हमें बहरहाल अल्लाह से दरख्वास्त करना है कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से तो मज़लूमों की मदद फरमा दे, उनको कुव्वत अता फरमा दे, उनको उनका घर दे दे, उनका खेत दे दे, उनका बाग दे दे। अल्लाह जानों की भी हिफाजत फरमा, माल की भी हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की भी हिफाजत फरमा, औरतों की हिफाजत फरमा जिनकी इज्जतें लूटने वाले खबीस और मुजरिम सिपाही की वर्दी में और कभी किसी वर्दी में उनके साथ वो मामलात करते हैं जो शायद शैतान के भी जहन में ना आते हों। अल्लाह बच्चों की हिफाजत फरमा, जिन बच्चों पर भी ये मुजरिम रहम नहीं खाते और उनको भी निशाना बनाते हैं। तो बहरहाल तमाम अइम्मा से मैं अपील करता हूँ कि वो फजर की नमाज में कल से एहतमाम के साथ कुनूत नाज़िला पढ़ें, और इस तरह कुनूत नाज़िला की दुआ को फिर ताज़ा कर दें। आमतौर पर किताबों में लिखी हुई हैं, लोग पढ़ते ही नहीं हैं, ज़माने गुजर जाते हैं तो याद भी नहीं रहती। तो इमामों को चाहिए कि इस दुआ को देख लें, उसे याद कर लें और ताज़ा कर लें, और कल से फजर की नमाज़ों में उसका एहतमाम करें। ऐसा एहतमाम करें कि बाकी अल्लाह ताला के दरवाजे को दस्तक दी जा रही हो, अल्लाह को पुकारा जा रहा हो दिल की गहराइयों से और तड़प कर, कि अल्लाह नुसरत नाजिल फरमा।